वाराणसी में मदर डे पर एक साथ हजारों लोगों ने ली शपथ, न करेंगे न होने देंगे भ्रूण हत्या। दशाश्वमेध घाट पर हुआ माँ गंगा का विधि विधान से पूजा आरती और दीपदान। माँ दुनिया में सबसे प्यारी होती है, इन माताओं की रक्षा के लिए बाबा विश्वनाथ के शहर बनारस में मदर डे पर विशेष पूजा हुई। 2001 से पेट में पल रही बेटियों के जन्म सुरक्षा व अधिकार के लिए मुखर आगमन। सामाजिक संस्था ने वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगोत्री सेवा समिति के सहयोग से जननी और उनके पेट में पल रहे नन्ही परियों के सलामती के लिए मां गंगा से प्रार्थना की। एक साथ देश विदेश से आए हजारों श्रद्धालुओं और काशीवासियों ने गंगा आरती से पहले हाथ में दीप लेकर कन्या भ्रूण हत्या नहीं करने का शपथ लिया। इसके साथ ही लोगों ने दूसरों को भी ऐसा करने से रोकने का वचन दिया। शपथ से पहले आगमन संस्था के पदाधिकारी और सदस्यों ने संस्था के संस्थापक सचिव डॉक्टर संतोष ओझा के अगुवाई में माँ गंगा का विधि विधान से पूजा किया गया। 5 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा पंडित दिनेश शंकर दुबे के नेतृत्व में ये पूजन संपन्न किया गया। पूजन के पूर्व शपथ और माँ गंगा के आरती के जरिए लोगों ने माँ गंगा के देश और दुनिया भर के बेटियों और उनके माँ के उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना की। संस्था के सचिव डॉक्टर संतोष ओझा ने बताया कि आज हम लोगों ने गर्भवती माताओं के पेट में पल रहे बेटियां सलामती के लिए पूजन किया है। अक्सर देखा जाता है कि संकुचित मानसिकता के लोग बेटों की चाह में गर्भ में बेटियों की पहचान कर उनकी हत्या कर देते हैं। ऐसे लोगों को माँ गंगा और बाबा विश्वनाथ सुदबुद्धि दे, इसी के लिए इस विशेष पूजा का आयोजन किया गया है। आती है और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार हम दे रहे हैं उन लोगों को जो आज आप एक बार प्रेम से बोलिए गंगा मैया की, बाबा विश्वनाथ की। साथ ही मेरे संतान में आए ऐसे सभी प्रकृति को रोकने का भरसक प्रयास करूंगा। संस्थापक आगमन सामाजिक संस्था, देखिए आज मातृ दिवस है और हम लोग 2001 से आगमन संस्था 2001 से बेटी बचाने के लिए बात करता है। भ्रूण हत्या के खिलाफ हम लोग एक बड़ा अभियान चला रहे हैं। पिछले हर साल हम लोग हमेशा पूरे साल कार्यक्रम करते हैं, चूँकि आज मातृ दिवस है तो हम लोगों ने एक दीपदान, गंगा पूजन और गंगा आरती, क्योंकि गंगा भी एक माँ है और माँ का अदब होना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए, उनकी सम्मान होना चाहिए, उसके तहत हम लोगों ने कार्यक्रम का आयोजन किया। और यही नहीं, लोगों से जो यहाँ पे जुटे हुए थे देसी और विदेशी सैलानी, उनसे भी हम लोगों ने दीपदान कराया, शपथ कराया इस बात का कि वो भ्रूण हत्या के खिलाफ एक अभियान चलाएंगे और अपने स्तर से भ्रूण हत्या को रोकने का प्रयास करेंगे। यही नहीं, मातृशक्ति को प्रणाम करेंगे, मातृशक्ति का सपोर्ट भी करेंगे।
सिंपल सिंपल उद्देश्य है कि जो बेटियां नहीं होंगी तो ये संसार नहीं होगा, ये सृष्टि नहीं होगा, क्योंकि आज की बेटियां कल की माँ होंगी और माँ ही जननी होती है, माँ ही जन्मदाता होती है। तो चूंकि जब बेटी मारी जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि माँ की कमी होगी और माँ कम होगी तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो सृष्टि को बनाए रखने के लिए, सृष्टि की सुंदरता को कायम करने के लिए, मेल फीमेल के रेशियो को सुधारने के लिए हम लोगों का ये कार्यक्रम का उद्देश्य रहा है। ये दशाश्वमेध घाट है, गंगोत्री सेवा समिति और आगमन ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। नमस्कार, मेरा नाम विकास त्रिपाठी है और मैं पेशे से एक ज्योतिष के क्षेत्र से जुड़ा हूँ, ज्योतिषाचार्य। मातृ पूरा देश आज मातृ दिवस के रूप में मना रहा है इस पर्व को, और इस समय काशी के तट पे इस पर्व को हम लोग एक विशेष रूप से मनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें और लोगों को भी जोड़ा जा सके, क्योंकि काशी संगम स्थली है एक तरह से, धर्मस्थली। यहाँ आज आगमन संस्था के द्वारा भ्रूण हत्या या जो गर्भ में जो बच्चियाँ नहीं रहीं उनके जोड़कर उनको एक उद्देश्य समाज को दिया गया कि अगर बच्चियाँ ही नहीं होंगी तो भविष्य में माँ कहाँ से होंगी, एक अच्छे संस्कार एक अच्छे धर्म का विकास कैसे होगा। इस परिप्रेक्ष्य में लोगों को जागरूक किया गया कि कन्याओं को सेव किया जाए, उनकी सुरक्षा की जाए, और इसी से देश का विकास और इसका उन्नति।